हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी ग्रू इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास टेंथ एसएसटी एस सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 66 आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा पोल साइंस चैप्टर नंबर सिक्स पोलिटिकल पार्टीज हमारी पिछली वर्कशीट में हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे इन टूडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड ऑल द क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन लेट्स बिगिन

और इसमें जो फर्स्ट फोर क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड परसेंट रहने वाला है नोट डाउन नोट कर लीजिए इसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट में वो दिया गया है कि स्टेट द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द पोलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी पोलिटिकल पार्टीज के फंक्शन यानी हमें कार्य बताने कई बार ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए तो ये सेम आंसर रहेगा फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज कि उसके काम क्या है कार्य क्या है तो पहला जो फंक्शन होता है वो है कंटेस्टिंग इलेक्शंस पोलिटिकल पार्टी जो बनाई जाती है तो उसके दो एम होते हैं टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट अब सरकार बनानी है तो चुनाव पहले लड़ना पड़ेगा सो द मेन फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज आर टू कंटेस्ट इलेक्शंस आपने देखा होगा जितनी पोलिटिकल पार्टीजुनाव जरूर लड़ेगी क्योंकि ये उनका मेन फंक्शन है देन सेकेंड जो फंक्शन है सेकेंड फंक्शन इज टू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड रन गवर्मेंट सेकेंड जो फंक्शन है द पार्टीज विच गेट मेजोरिटी जिन पार्टी को मेजोरिटी मिलती है मेजोरिटी मील्स फिफ्टी प्लस वन जैसे हम डेली की स्टेट असम्बली की बात करें तो सेवेंटी सीट्स हैं मेजोरिटी कितनी होगी फिफ्टी परसेंट प्लस वन यानी थर्टी सिक्स सीट्स ओके सो द पार्टीज विच गेट्स विच गेट मेजोरटी फॉर्म एंड रन द गवमेंट वो सरकार बनाएंगी भी और उसे चलाएंगी भी और दौड़ाएंगी भी ओके okay. तो ये फंक्शन कौन करता है ये भी पोलिटिकल पार्टी करेगी जिनको मेजोरिटी मिलेगी थर्ड फंक्शन है फॉर्मुलेन ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज पार्टीज़ पुट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बिफोर द वोटर एंड वोटर्स टू चूज द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइस हर पोलिटिकल पार्टीज के अपने प्रोग्राम्स होते हैं पॉलिसीज होती है जो चुनाव में जनता के सामने लेके जाती है एंड वी हैव टू चूज़ फ्रॉम दोज पॉलिसीज हालांकि हम ऐसा इतने अवेयर हैं नहीं जो इंडियन वोटर्स हैं हम कास्टिजम ज्यादा देखते हैं लेकिन फिर भी पोलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम और पॉलिसीज होते हैं एंड वेन दे कैम इन टू पावर अगर वो उन्हें पावर में आने का मौका मिलते हैं तो उन्हीं प्रोग्राम पॉलिसीज को वो इंप्लीमेंट करते हैं तो ये प्रोग्राम और पॉलिसी जिसपे देश चलता है वो कौन बनाता है इट इज द फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज फोर्थ जो इनका फंक्शन है काम जो होता है कार्य होता है वो है मेकिंग ऑफ लॉज कानून बनाना पोलिटिकल पार्टीज प्लेज की रोल इन मेकिंग ऑफ द लॉज़ फॉर द कंट्रीज़ कानून में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कानून कहाँ बनता है लॉज कहाँ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट और द स्टेट असम्बली पार्लियामेंट में कौन है एम पीज़ कौन है दिज आर द मेंबर्स ऑफ पोलिटिकल पार्टी सो पोलिटिकल पार्टीज़ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द लॉज टू ये भी इन्हीं का ही फंक्शन होता है फिफ्थ वन रोल ऑफ अपोजिशन इलेक्शन लूजिंग पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन जो पोलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है एंड द रोल ऑफ अपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है उसकी कमियों को जनता के सामने लेके आती है ओके सो दीज आर द फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज नाउ लेट्स मोट द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन वट इज द बेसिस ऑफ ट्रीटिंग अ पार्टी एज नेशनल ओरिजिनल इन इंडिया कि हम कई बार बोल देते हैं कि दिस इज नेशनल पोलिटिकल पार्टी दिस इज द रीजनल पोलिटिकल पार्टी तो ये कैसे कह सकते हैं किसको रीजनल कहेंगे किसको नेशनल कहेंगे सो so, सबसे पहले हम मोटे तौर पे बात कर लेते हैं कि नेशनल पोलिटिकल पार्टी मीन्स द पोलिटिकल पार्टी विच इज़ हैविंग द वोट बैंकिंग इन मोर देन टू और थ्री स्टेट्स यानी दो तीन राज्यों से ज्यादा अगर राज्यों में स्टेट्स में उसका वोट बैंक है तो उसको हम कहेंगे कि वो नेशनल पोलिटिकल पार्टी है जनरल सेंस की बात कर रहा हूं मैं और जनरल सेंस में द पोलिटिकल पार्टी विच इज़ हैविंग द इन्फ्लुएंस इन वन और टू स्टेट्स उसे हम रीजनल पोलिटिकल पार्टी बोलते हैं ओके okay. अब नेशनल पोलिटिकल पार्टीज को अगर हमें कहना है तो उसको रिकोगनाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है सो नेशनल पोलिटिकल पार्टी वेन अ पार्टी गेट्स एटलीस्ट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द फोर स्टेट असेंबली इलेक्शन और इन द लोकसभा इलेक्शंस कि अगर किसी पोलिटिकल पार्टी को सिक्स परसेंट वोट मिल गए फोर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन में फोर स्टेट्स में उसके टोटल में सिर्फ सिक्स परसेंट मिल गए ओके okay. या फिर इट गेट्स सिक्स परसेंट वोट इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ द कंट्री यानी कि सिक्स परसेंट उसमें से आ गए पहली कंडीशन तो ये रहेगी दोनों में से किसी एक में सिक्स परसेंट लेने एंड वीन्स एट लीस्ट फोर सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस दे आर कंसडर्ड एज नेशनल पार्टी और कम से कम फोर लोकसभा सीट्स अगर वो जीत जाती है तो उसे हम कहेंगे कि दीज आर नेशनल पोलिटिकल पार्टीज़ फॉर एग्जाम्पल बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस बी एस पी नेशनलिस्ट कांग्रेस दीज आर द नेशनल पोलिटिकल पार्टीज नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन दूसरा हमें बताना है कि रीजनल पोलिटिकल पार्टीज़ अगर किसी को रिकोगनाइज करवाना हो हमें करवाना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है रीजनल पोलिटिकल पार्टी वेन अ पार्टी गेट्स एटलीस्ट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द इलेक्शन टू द स्टेट असम्बली और विन्स एटलीस्ट टू सीट्स इट इज रिकोगनाइज एज रीजनल पोलिटिकल पार्टी यानी कोई भी पोलिटिकल पार्टी वो सिक्स परसेंट वोट्स ले ले उस स्टेट के इलेक्शन में ओके okay, किसी भी स्टेट की पोलिटिकल पार्टी है एंड ऑल्सो दे हैव टू विन एट टू सीट्स अगर दो सीट जीत जाती है तो उसको स्टेट या रीजनल रिकोगनाइज पोलिटिकल पार्टी कह सकते हैं ओके जैसे आम आदमी पार्टी आर जे डी जे डी यू दीज आर द रीजनल पोलिटिकल पार्टीज बिकॉज दीज आर एलिजिबल फॉर द रीजनल पोलिटिकल पार्टी एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेशनल पोलिटिकल पार्टी के लिए एलिजिबल नहीं है नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम हमें पार्टी सिस्टम के बारे में बताना है कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री देर आर द थ्री पार्टी सिस्टम्स कि कितनी पोलिटिकल पार्टी उसके बेस पर तीन टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं फर्स्ट वन सिंगल पार्टी सिस्टम इफ देर इज ओनली वन पोलिटिकल पार्टी इन अ कंट्री दैट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड सिंगल पार्टी सिस्टम मान लीजिए किसी देश में एक ही पोलिटिकल पार्टी है उसे चुनाव लड़ने की या फिर सरकार बनाने की परमिशन है तो वो सिंगल पार्टी सिस्टम होगा ओके okay? यानी एक ही पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी वही चुनाव हारेगी वही चुनाव जीतेगी वही सरकार बनाएगी लाइक दैट ऑफ इन चाइना चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है ओके बट दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होता बिकॉज बिकॉज पीपल डोंट हैव द चॉइस एंड पार्टी बिकम्स डिक्टेटर बन जाती है सेकेंड जो पार्टी सिस्टम है दिस इज बाय पार्टी सिस्टम बाय पार्टी सिस्टम मीन्स हम इसे टू पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं टू पार्टी सिस्टम क्या है कि इन अ कंट्री देर आर टू मेजर पार्टीज एंड पावर कीप्स चेंजिंग बिटवीन दीज टू पार्टीज जब किसी देश में केवल दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो और उन्हीं में पावर चेंज होती रहे तो उसे बोलेंगे बाय पार्टी सिस्टम लाइक दैट ऑफ इन यूके एंड यूएसए देर इज़ बाय पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं कि वहाँ और पॉलिटिकल पार्टी नहीं कुछ है कुछ हैं लेकिन उनके कहीं दूर दूर तक कई किलोमीटर तक चांस नहीं है कि वो पावर में आएगी सो दिस इज़ नॉन एज बाय पार्टी सिस्टम तो पहला सिंगल समझ में आ गया सेकेंड वन इज़ द बाय पार्टी सिस्टम थर्ड जो सिस्टम है दैट इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम और हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है वे वेअर देर आर मैनी पोलिटिकल पार्टीज़ इट इज़ कोल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम इफ़ एनी कंट्री देर आर द मोर देन टू पोलिटिकल पार्टीज दिस इज़ नॉन एज मल्टी पार्टी सिस्टम यानी दो से ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज तो उसको हम बोलेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम इन नहीं बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली लाइक दैट ऑफ इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल इन सभी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है

पोलिटिकल पार्टीज होती है उसको डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है क्योंकि चुनाव वही लड़ते हैं बट दीज पोलिटिकल पार्टीज लैक इंटरनल डेमोक्रेसी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स दैट दे डो नॉट हैव द इंटरनल डेमोक्रेसी यहाँ पर इनके खुद के इलेक्शन नहीं होते दे डो नॉट कंसल्ट विद द ऑर्डनरी जो इनके मेम्बर्स होते हैं स्पोर्टर्स होते हैं उनसे ये कंसल्ट ही नहीं करते दो चार मेंबर जो ऊपर के लीडर होते हैं वही डिसीजन ले लेते हैं ओके okay, सो so यहाँ पर पहला जो प्रॉब्लम है इनके साथ इश्यूज़ है चैलेंज है वो ये कि देर इज ए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज इन दीज पोलिटिकल पार्टीज एंड इफ दे आर कंस्टर्ड एज ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी देन इट इज़ ए सीरियस चैलेंज उसके बाद सेकेंड जो चैलेंज है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन वंशवाद हिंदी में बोलेंगे काफ़ी सारी पोलिटिकल पार्टीज है एक परिवार की एक फैमिली की लिमिटेड कंपनी बन गई है वही दो चार लीडर होते हैं उन्हीं की पार्टी होती है वही चलाते हैं सरकार को लाइक दैट ऑफ अकाली दल इन पंजाब समाजवादी पार्टी इन यू पी आर जे डी इन बिहार ये क्या है दीज आर द कौन सी पार्टी होगी जहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेसन की प्रॉब्लम है सो चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेसन मैनी पोलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ चैलेंज एंड दीज पार्टीज आर कंट्रोल्ड बाई वन फैमिली और द फैमिली मेम्बर्स जो है वो इसको चला रहे हैं एंड अब इसमें क्या होता है कि इवन इफ ए पर्सन इज इलिजिबल एलिजिबल है टू बी ऑन द टॉप ऑफ द पोलिटिकल पार्टी बट ही और शी कांट नहीं जा सकते क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी होती है थर्ड चैलेंज इज द चैलेंज ऑफ मनी पावर तीसरा जो चैलेंज है दैट समटाइम्स द पीपल हैविंग द मच मनी जिनके पास काफी पैसा होता है दे विन द इलेक्शन ड्यू टू दिस मनी पावर यूजिंग द मनी मनी को यूज़ करके वो इलेक्शन जीत जाते हैं और इसमें क्या हुआ कि देर इज़ नो फेयर चांस फॉर द पीपल जिसके पास पैसा नहीं है उसके चुनाव जीतने के चांस ही खत्म हो जाते हैं सो द यूज ऑफ मनी पावर इज ऑल्सो ए सीरियस थ्रेट फॉर दीज पोलिटिकल पार्टीज बिकॉज बायजिंग द मनी बाय द इंफ्लुएंस ऑफ द मनी द पीपल हैविंग द मनी आर एबल टू विन द इलेक्शंस वो इलेक्शन जीत जाते हैं इट मीन्स दैट इफ ए पर्सन इज एलिजिबल एंड वो इंटरेस्टेड भी है और आगे आना भी चाहता है चाहिए भी उसे लेकिन वो आगे नहीं आ पाएगा क्यों नहीं आ पाएगा पैसा नहीं है उसके पास खिलाएगा पिलाएगा कहाँ से फोर्थ चैलेंज इज द चैलेंज ऑफ मसल पावर मसल पावर मीन्स बाहुबल जिसको हम हिंदी में बोलेंगे नाउ इट इज मेनी पीपल आर गेटिंग सक्सेस टू गेट द टिकेट्स ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स काफ़ी सारे क्रिमिनल्स हैं दे आर कमिंग इन द पोल्टिक्स वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं एंड बिकॉज दे आर द क्रिमिनल्स समटाइम्स ड्यू टू देयर इंफ्लुएंस ड्यू टू देयर फियर एंड ड्यू टू देयर अदर टाइप्स ऑफ द सेटिंग्स दे आर एबल टू विन द इलेक्शन ऑल्सो चुनाव भी जीत जाते हैं फिर क्या होगा पार्लियामेंट में जाएंगे फिर वो हमारे देश को चलाएंगे सोचिए सो दिस वन इज ऑल्सो ए चैलेंज वी नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट दिस वन फिफ्थ जो चैलेंज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस जो फिफ्थ चैलेंज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस नाव वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है स्टिल देर इज ए लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस क्योंकि सभी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ही थाली के चट्टे पट्टी हैं उन देर इज नो डिफरेंस और मिनिमल डिफरेंस इन देयर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज उनके प्रोग्राम और पॉलिसीज में बहुत कम डिफरेंस है पावर में आने के बाद वो एक जैसे ही हैं सारे तो ये फाइव चैलेंजेस हैं नाउ लेट्स टू द फिफ्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द की आइडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमें की आइडियोलॉजिकल फीचर्स बताने फर्स्ट हम बताएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1885. दिस वन दिस पोलिटिकल पार्टी इज द ओल्डेस्ट पोलिटिकल पार्टी ऑफ आर कंट्री हमारे देश की सबसे पुरानी पोलिटिकल पार्टी है सेकंड इसके आइडियोलॉजी की अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलीव इन सेक्युलरज्म में बात बिलीव करती है धर्मनिरपेक्षता में दिस पार्टी इज़ इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेवर में है ये दिस पोलिटिकल पार्टी इज कंसटर्ड द डिफेंडर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी क्लास एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो माइनॉरिटीज़ हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी प्रोटेक्टर माने जाती है उनकी सपोर्टर मानी जाती है दिस पार्टी ऑल्सो बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड गांधीन आइडियोलॉजी में भी ये बिलीव करती है ओके okay. तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वट आर द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी इट कैन बी आसप इन थ्री मार्क्स हालांकि इसके चांस कम रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स क्वेश्चन डिस्क्राइब द की आइडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी दिस ईयर दिस चैप्टर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन हमें बताना है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की आइडियोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है उनकी पॉलिसी क्या है भारतीय जनता पार्टी वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन एटी द एंशियंट कल्चर वैल्यूज़ ऑफ इंडिया इंडियन नेशनलिज्म कल्चरल नेशनलिज्म हिंदुत्व इज द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इट्स ओरिजिन और इट्स पॉलिसी यानी इसकी मेन जो पॉलिसीज़ है वो है नेशनलिज्म कल्चरल नेशनलिज्म एंशियंट कल्चर वैलीज ऑफ इंडिया उसमें ये बिलीव करती है नेक्स्ट दिस पार्टी इज अगेंस्ट गिविंग स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट्स एट द रीजनल और पोलिटिकल लेवल जो स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दी गई है जैसे जम्मू कश्मीर को थी उसके ये अगेंस्ट है दिस पोलिटिकल पार्टी इज इन द फेवर ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स और ये पार्टी इस चीज़ में बिलीव करती है कि वन देश जो हमारा है एक देश है एक कानून वन नेशन वन लॉ उसमें बिलीव करती है एंड प्रोविटिंग कन्वर्जन और जो धर्म परिवर्तन है उसके ये खिलाफ है सो so, ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ वन वट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिशन गवर्नमेंट एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी हमें बताना कि कॉलिशियन गवर्नमेंट क्या है और इंडियन डेमोक्रेसी में कॉलिशन का रोल क्या है सबसे पहले हम अलायंस या कोलिशन को समझते हैं कि वेन पार्टीज कम टूगेदर फॉर द परपज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड अलायंस कि जब कुछ पोलिटिकल पार्टीज एक साथ आती है ओके किस लिए चुनाव लड़ने के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए उसे हम बोलते हैं कॉलिशन हिंदी बोलेंगे गठबंधन ओके अब कोलिशियन गवर्नमेंट क्या होती है गठबंधन सरकार होती है अब कॉलिशियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी कि वेन अ पार्टी डज नॉट गेट अ मेजोरिटी जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती सम पार्टीज फॉर्म अ गवर्नमेंट टूगेदर कुछ पार्टीज़ मिल के सरकार बनाती है जैसे बिहार में हुआ है लाइक like दैट अपन महाराष्ट्र इन हरियाणा में कॉलिशन गवर्नमेंट है इट इज़ कॉल्ड अ कॉलिशन गवर्नमेंट इसको कॉलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है एट द सेंट्रल लेवल पर बात करें तो एन डी ए गवर्नमेंट है इट मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस की गवर्नमेंट है और ये कॉलेशन गवर्नमेंट है हालांकि बीजेपी के पास मेजोरिटी है लेकिन चुनाव मिलकर लड़ा था ओके okay. तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होगी कि जब काफी सारी पोलिटिकल पार्टीज है वो मिलकर के अगर सरकार बनाती है तो उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहेंगे अब हमें सेकेंड जो इस क्वेश्चन का पार्ट दिया गया हमें बताना कि द रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी द रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट हैज बीन इंपॉर्टेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है एंड द रीजनल पार्टीज आर आल्सो इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन मेनी स्टेट्स काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो रीजनल पोलिटिकल पार्टी है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है उनका बेस ज़्यादा है ड्यू टू दिस मेनी टाइम्स कोलिशन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द स्टेट्स और इसी कारण कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनती है स्टेट्स में एंड एट द सेंटर लेवल टू और सेंट्रल लेवल पर क्योंकि एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती और पार्टीज बहुत सारी हैं और इससे क्या बेनिफिट हो रहा है दिस इज नॉट ओनली दिस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू पावर शेयरिंग बट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है क्योंकि सभी लोगों को सभी एरिया को रिप्रजेंटेशन मिल जाता है सरकार में भागीदारी का कंट्रीब्यूशन का एक मौका मिलता है और पावर शेयरिंग भी होती है नाउ लेट्स मू टू द एट्थ क्वेश्चन वट इज मिंट बाय रीजनल पार्टी रीजनल पोलिटिकल पार्टी क्या होती है ये हमें बताना है रीजनल पोलिटिकल पार्टी एंड स्टेट तक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी रिकोगनाइज एज रीजनल पोलिटिकल पार्टी किसी पार्टी को अगर रीजनल पोलिटिकल पार्टी के रूप में रिकोगनाइज करना है तो क्या कंडीशंस है सो पोलिटिकल पार्टीज दैट हैव इन्फ्लुंस इन वन और टू स्टेट्स आर कोल्ड रीजनल पोलिटिकल पार्टीज वो पोलिटिकल पार्टी जिनका दबदबा प्रभाव वोट बैंक वन और टू स्टेट्स में हो तो उसे हम रीजनल पोलिटिकल पार्टीज बोलते हैं सच एज अकाली दल आर जे डी इन बिहार जे डी यू इन बिहार एंड अकाली दल इन पंजाब ये रीजनल पोलिटिकल पार्टीज हैं अब हमें बात करनी है कि कंडीशन क्या है एलिजिबिलिटी क्या है वीन अ पार्टी गेट्स एटलीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स टोटल वैलिड वोट्स इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट लीस्ट टू सीट्स इट इज रिकोगनाइज एज रीजनल पोलिटिकल पार्टी यानी दो कंडीशन है पहला सिक्स परसेंट वोट लेने हैं उस स्टेट में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए एंड सेकेंड दे नीड टू विन एट लीस्ट टू सीट्स उसके बाद क्या होगा like दैट पार्टी विल बी रिकोगनाइज एज रीजनल पोलिटिकल पार्टी लाइक आम आदमी पार्टी आर जे डी दीज आर द रिकोगनाइज रीजनल पोलिटिकल पार्टीज नाउ लेट्स मोटू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन दिया गया द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया हैज स्ट्रेंथ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आ कंट्री जो रीजनल पोलिटिकल पार्टीज हैं ओके जिनकी हमने ऊपर बात की है उससे हमारा देश यानी हमारा फेडरलिज्म भी मजबूत हुआ है और डेमोक्रेसी भी मजबूत हुई है ये हमें कहा गया यहाँ पर डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से क्या आप एग्री करते हो तो हम टोटली totally एग्री करते हैं अब कैसे करते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट रीजनल पार्टीज इन इंडिया हैव स्ट्रेंथन फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी कोलिशन पोलिटिकल हैज़ डेवलप्ड विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल पार्टीज जैसे जैसे रीजनल पार्टीज है वो डेवलप हुई है पावरफुल हुई है कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई है क्योंकि एक पोलिटिकल पार्टी को अब मेजोरिटी नहीं मिलती है एंड दिस हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू वेरियस आइडियोलॉजीज एंड स्टेट्स टू बी दार्ट ऑफ द गवमेंट एट सेंट्रल लेवल और द स्टेट लेवल इससे क्या हुआ कि सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जब सरकार बनती है तो काफ़ी सारी पोलिटिकल पार्टीज को मौका मिलता है उस सरकार में भाग लेने का एंड इट हैज़ हेल्प इन द यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इससे पूरे देश का एक समान विकास हो पाता है क्योंकि हर स्टेट से एक नई एक पोलिटिकल पार्टी जो पावर में रहेगी और पावर में रहेगी दे हैव टू डू द लॉर्ड्स ऑफ वर्क वहाँ पर कुछ काम भी तो होगा ड्यू टू द रोल ऑफ द कोलिशियन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग हैज़ ऑल्सो बिकम पॉसिबल एंड इफेक्टिव इसके कारण पावर शेयरिंग भी पॉसिबल हुई और इफेक्टिव भी हुई है क्योंकि जब पोलिटिकल पार्टीज हैं पावर में आती है कॉलेशन गवर्नमेंट में तो उनकी डिमांड्स भी होती है एंड दे ट्राई टू डू द बेस्ट इन देयर रीजन टू अपने स्टेट्स में रीजन में अच्छा करने की कोशिश भी करती है तो इससे फेडरलिज्म भी मजबूत हुआ है लोकतंत्र भी क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है डेमोक्रेसी ये कहती है कि सभी को मौका मिलना चाहिए तो इस कॉलेशन गवर्नमेंट में खिचड़ी ज़रूर बनती है लेकिन मौका सबको मिलता है नाउ लेट्स टू द टेंथ क्वेश्चन नेम एनी टू रीजनल पार्टीज ऑफ तमिलनाडु एंड विद सिंबल एक लास्ट फाइनल ए डी वालों ने एक इजी क्वेश्चन पूछ लिया है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ की दो पोलिटिकल पार्टीज़ है तमिलनाडु की डीएमके एंड ए आई ए डी एम के डी एम के दरविड़ मुत्र कड़गम एंड ए आई डी एम के ऑल इंडिया अन्ना दरविड़ मुत्र कड़गम तो ये आपको याद नहीं रहने वाला है तो आप डी एम के और ए आई डी एम के भी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात रहेगी तो यहाँ पे डी आई जो डी एम के है उसका पोलिटिकल सिंबल है राइजिंग सन और ए आई ए डी एम के का पोलिटिकल या फिर इलेक्शन सिंबल है वो टू लिव्स हैं ओके नाउ लेट्स टू द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस वर्कशीट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेगमेंट में फोर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम हमें बताना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है क्या देर आर मोर देन टू मेजर पोलिटिकल पार्टीज एंड देर इज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मिंग दवमेंट इट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम कि जहाँ दो मेजर पोलिटिकल पार्टीज होती हैं और उन दो से ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज के यानि कि मोर देन टू पोलिटिकल पार्टीज होती है और उनसे जो ज़्यादा पोलिटिकल पार्टीज है उनमें से अच्छी खासी पार्टीज की अगर सरकार बनाने की पॉसिबलिटीज़ है तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहिए यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं देर मस्ट बी द मोर देन टू पोलिटिकल पार्टीज and more than two parties or uh, political parties must have the chance to form the government or to be the part of the government tab use hum bolenge multi party system okay uske baad second question diya gaya what do you understand by the coalition government gathbandhan sarkar kya hoti hai when two or more parties come together to form a government it is called coalition government कि जब दो या दो से ज़्यादा political parties मिलकर के government बनाएगी तो उसको बोलेंगे हम गठबंधन सरकार coalition government नाउ लेट्स मोट द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन दिया गया डज चाइना हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल नहीं वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है फोर्थ क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट राइट ब्रीफ जिस्ट ऑफ द अबो पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स हालांकि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि आज का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है क्योंकि मेरी जितनी भी वर्कशीट आती है उसमें से सबसे शांत जो वर्कशीट रहती है नो no डाउट आप व्यूज देते हो अच्छे खासी स्टूडेंट्स हैं वॉच टाइम बहुत अच्छा होता है इस वीडियो के ऊपर लेकिन आपके कमेंट्स सबसे कम आते हैं क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम के तो आपके लिए ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी पोलिटिकल पार्टी है डेली में पावर में है उसका इलेक्शन सिंबल क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट राइट ब्रीफ जिस्ट ऑफ द दो पैराग्राफ इन योर वर्ड्स हमें इसका सार लिखना है जिस्ट लिखना है वेयर देर आर मोर देन टू पोलिटिकल पार्टीज एंड देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग दे गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम वेन टू और मोर पार्टीज कम टूगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट टूगैदर इट इज कॉल्ड कॉलेशियन गवर्नमेंट यानी कि ऊपर के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वही इसकी समरी है सच एज एन डी ए इज़ ए कॉलेशन गवर्मेंट उससे पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी सेंटर में कांग्रेस की तो वो भी एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी अ कोलिशियन गवर्नमेंट प्रमोट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हालांकि जो कॉलिशन गवर्नमेंट है उसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है कई बार आया राम गया राम हो जाता है यानी सरकार जल्दी जल्दी गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट आज की वर्कशीट लेंथी थी लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि पूरा चैप्टर हमने बीस मिनट में रिवाइज़ कर लिया अच्छे से समझ भी लिया और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपको आज की हमारी वर्कशीट ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू बाय बाय हैव है नाइस डे